अनाउंसमेंट में तो क्या होगा ना, फोन से होगा बंदे देख लो, मतलब हरियाणवी के अलावा कुछ नहीं आती है। यो टॉपिक नहीं हमारे, इसमें टॉपिक नहीं है, ये खाली है। पुलिस लाइफ जी है, हॉस्टल लाइफ नहीं जी। मैं सारी मोटी मोटी किताब उठानी भाई, छोटी में तो हाथ भी लाना है। नशे ना छोड़कर हर मस्ती करनी है मैंने। मैं रात का राजा बनना चाहता हूँ। ओ भाई फिर रात में तो मरता क्या, वो खिड़की फाड़नी पड़ी और उसमें चॉकलेट और पेस्ट्री ली सिस्टम फाड़ देंगे जय बाबा की। चोरों का टाइम ही होता है। बेस्ट मोमेंट क्या था आपका? राम राम भाई सारा ने, फिर तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज अपने सुमित भाई एक ऐसे कलाकार हैं, ये मतलब अपना इनका पॉडकास्ट चैनल है और ऐसे कलाकार हैं, हिंदी टीचर भी माफ है इनके आगे। अरे अरे ऐसी बात है, मतलब ना ऐसे 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 वर्ड, मतलब कहाँ से, मतलब सर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, कैसे क्या मतलब हिंदी का प्रॉब्लम मेरा, मतलब जब मैं बचपन में 8th क्लास में था तो हिंदी का मेरा स्टार्टिंग से ही काफ़ी पकड़ बहुत तेज थी उसमें, कि हिंदी में तो ऐसा था कि कोई बोल रहे तो हिंदी में नहीं जीत सकता। अच्छा, वैसे हमारी हिंदी मातृभाषा कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा अभी ऐसा हो गया वोकैबुलरी पावर हिंदी की इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कुछ भी बोलो, कोई भी ऐसा शब्द होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसका मतलब मुझे पता होगा। नहीं मतलब है ना, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनका मतलब आप पता नहीं कर पाओगे, आपको गूगल करना पड़ेगा। मैं ना अभी मतलब भाई के साथ है ना, मतलब पॉडकास्ट मेरे भाई के साथ, तो इसने ना बीच में इतने वर्ड थे मेरे को, मतलब समझ से दूर उस वो उसका मतलब है ना सुमित भाई, मैंने ऐसे पता करना पड़ा था कि आप पूरी लाइन बोल रहे थे, जब मेरा समझ में आ रहा हाँ इससे मिलता जुलता पा होगा। ये पता करो क्या, हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर और उस तरह थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वरना हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा, हमें हिंदी की तरफ अपने बच्चों को, और पता है आपको अगर हिंदी जैसा इंग्लिश हो ही नहीं सकती, मतलब जो हमारी हिंदी है ना वो तो इंग्लिश का दाए नहीं सकती, वो कभी कॉम्पिटिशन उसका कर नहीं सकते। हिंदी का कोई भी शब्द उठा लो, उसका भी इंग्लिश मीनिंग देख लो, इंग्लिश मीनिंग का एक ही शब्द आएगा, हिंदी तो मतलब ऐसे पूरा प्रभाव। पता मैंने ना एक चीज नोट करी है, जैसे कि एक लाइन लिखेंगे हम, हिंदी की बड़ी लाइन होगी और इंग्लिश की छोटी सी, मतलब ये हकीकत है यार। अगर जैसे बोल रहे हैं भाई, अगर इंग्लिश आसान हो हिंदी मुश्किल, छोटा एक छोटा वर्ड इसको बोलते हैं उद्घोषणा। हाँ। उद्घोषणा का मतलब होता है कभी कोई पहुंचे हुए लोग जो घोषणा करते हैं, उद्घोषणा। अब इसका अगर तुम इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालोगे तो इसमें है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट तो रेलवे स्टेशन पर होगा। हां उद्घोषणा मतलब जैसे किसी उद्घोषण को उद्घोषित कर दिया, जैसे तो किसी सार्वजनिक सत्य को उद्घोषित कर दिया, उद्घोषणा शब्द का अपना अर्थ है। अनाउंसमेंट में तो क्या होता है, नपुंसक हो गया होता है। अब इसमें नपुंसक में ही देख लो, नपुंसक जिसको कह दिया तुरंत हो जाए बैठ नपुंसक यार, इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट को देख लो, इम्पोर्टेंट है कोई इम्पोर्टेंट समझ जा रहा है कि यार मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट हुआ, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द नपुंसकता, नपुंसकता को गया नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ पीछे ही रह जाता है। कभी मतलब कोई ऐसी जगह मिला कोई इंसान ने कि हाँ भाई आप इतनी हिंदी कैसे बोलते, कोई टीचर से हुई हो मुठभेड़ हुई हो? नहीं हो रहा, ऐसे कोई मुठभेड़ होती है तो फिर मैं उनसे अपने के दो शब्द पूछ लेता हूँ कि इसका क्या मतलब है, उनको पता नहीं होता, वही पे कंपटीशन खत्म हो जाता। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ना जैसे कि पॉडकास्ट में अब आप बोल रहे थे ना, मैं ये मेरे ना मतलब कुछ बातों से दिमाग मतलब विचार और तरह के आने लग जाएगा कि भाई ये बंदा मतलब टीचर बन सकता, प्रोफेसर बन सकता है, पीएचडी के लेवल का पीएचडी वालों को पढ़ाएगा ये, मतलब ये चीज है। पता है वो क्या है, मैं एक मेरा दोस्त को होता काला को होता एक बार मैं उस तरह होता कि मारी वाला मारीगेल का बंदा फिर नकड़ चला गया, उड़ चला गया, कोई उड़ चला गया, मारीगेल जिम करने वाले उड़ चले गए, उड़ चले गए पढ़ने वाले उड़ चले गए, क्योंकि सरकार नौकरी। तो बोले तो एक प्रकार से वो है कि अगर वो कहीं जा सकते हैं, अगर वो पहुंच सकते हैं तो भाई क्षमता तो हमारे पास भी है, जो पीएचडी होल्डर है अगर वो बढ़ गए कर तो हम भी सकते हैं। हिंदी से यदि है ना बीटेक बनना चाहते हैं, हिंदी तो भाई साहब बवाल है, आतंक है, सिस्टम फाड़ देंगे जय बाबा की। हिंदी का प्रॉब्लम है फिर थोड़ा सा, वो हमारी मदर टंग है, हमें होना चाहिए और अपने बच्चों को भी आज के आज के मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बालक हैं ये जो ना हिंदी बोल पाते ना ही नहीं इंग्लिश से कुछ नहीं आती वहाँ पर कंपनी में, ऐसा हो जाए भाई अपने सीनियर है थोड़ी के सामने खड़े हैं और कुछ बता रहे हैं उससे। सर मैं उसके पास गया था तो वो बोला कि एक बार उड़ा चले आ जा,
मतलब उसके पास गया था उड़ चला जा, मतलब है ना, फिर टोटली हिंदी, मतलब अपने मालिक के पास भी चले जाओ, हरियाणवी निकल जा भाई, नहीं बोल पाते क्योंकि हम याड़ा पड़े हैं, क्या नाम गांव में पड़े हैं, फिर सोनीपत हिंदू, वहां पर को इंग्लिश को कर, वो ही नहीं था। ये जो ये बालक इंग्लिश मीडियम के है ना भाई, इनमें गया जो जो इन दोनों के 55 कितने हुए हैं, 89 कितने हुए, 89 हाँ। कितने हुए, 84 कितने, हिंदुस्तान में तुम रहो तो नहीं, मेरा 95 88 किसने कहो है, ये गलती थी जो ये। मेरे घर आकर स्कूल है ना, तो सुबह सुबह जिन छुट्टी कर लेता, ते 2 1 2 मतलब है ना, मतलब 10 तक गिनती तो डेली हो, वो टेबल होती थी, 2 1 2 2 2 4, ये मतलब है ना, यहाँ तो ऐसी क्या मेरी हिंदी में टेबल, ठीक है, बाकी गिनती था मैं 1 2 3 4 5 7 9 10 है, ये तो भाई हम तो है। मारे में मास्टर बढ़िया थे, उन्हें ये था मास्टर का पति वो था, कान पकड़वा दिया करते, आज के टाइम तो बालक मार ही मार नहीं सकते सकते कोई चीज का वो है। कदे, फिर मतलब एक जो मतलब ये देखे मैंने कभी, कोई बंदा ऐसा देखा कोई, मतलब ये टॉपिक मारा है, देखो भाई मारा ही हो, टॉपिक नहीं है हमारे, इसमें टॉपिक नहीं है, ये खाली है हमने कोई काम नहीं है, हम बस नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैं बाकी मतलब भाई के पॉडकास्ट तो में बहुत कुछ सीखने मिल गया ब्रो, सीखने में कोई वो नहीं है, अच्छी एक हमें बार है सब ना, मतलब कभी शिकायत करे हैं, जो एक दोस्त था, दोस्त के मतलब है अपना, मतलब खुद ही क्लोज बंदा है, तो उसने स्टोरी बताई थी भाई, उन्हें दारू पी ली बढ़िया मतलब टन, और वो यहाँ से निकल के कॉलेज से, मतलब पीजी रहते थे, वहाँ से निकल के भाई वहाँ से लेके कुंडली, और वहाँ था इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कोई वो चल रही थी कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ से एक वो उठाया, वहाँ पे है ना एक जगह थी इतनी सी, बता रहा था वो जैसे कि उसमें से ना वे स्कूटी पे कितनी बड़ी बताऊँ, इस दीवार से लेके इस दीवार तक, और इस दीवार से लेके इतनी, ठीक है, इतनी वो थी, एक क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग, ठीक है, उस पे ना 3 पेंटिंग मेरे घर पे रखी है अभी मतलब ये ना 15 20 क्या 15 16 के आसपास वो ले आए पेंटिंग उठा गए, और भाई मतलब उन्होंने ना स्टोरी बताई ना, उन्होंने ऐसे सिर पे रख के लगाए इतनी बड़ी पेंटिंग, ऐसे सिर पे रख के, मतलब भाई इंटरेस्टिंग, इतनी मज़ेदार स्टोरी लगी, मतलब ऐसा कभी आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्तों के साथ हुआ हो, मतलब कोई ऐसा किस्सा? भाई किसी की तो बात नहीं हो करे, मारे बीटेक में जो करा टोट याद ना भाई, बीटेक में को पता भाई जो कर घर वाले पीछे भेजा करा भाई, फिर पीछे आपको या किताब लानी वहाँ किताब लानी है, नया नया आपको शौक भी लाके फिर खान पीने का लगा लिख लो ग्राउंड में मार्केट में जाओ, तो हार्ड ड्रिंकिंग वगैरह का हो जाता है कॉलेज हॉस्टल में रहते होते हैं। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे को एक शय मिल गई, एक हमें आदत मिल गई कि जो हमारे वहाँ पे कॉलेज की खिड़कियाँ थी, खिड़कियों के अंदर जो लोग थे ना उनको हाँ। मैसे करके फाड़ सकते हैं, मतलब ऐसे खिड़की अच्छा खोली जा सकती है, तो हमने फिर भाई जो दर्दनाक और जो खौफनाक जो स्टोरी ना, हम क्या करते हैं 2 बाइक लेते हैं, एक मेरा बड़ा बैग था लाल बैग, मेरा पूरा बड़ा चौड़ा, और लाइब्रेरी में रात को 2 बजे में एंट्री करते थे, रात को ठीक दो है, बजे और अरे चोरों का टाइम ये होता है रात को एंट्री, और जो बड़ी बड़ी वो थोड़ी मोटी मोटी IAS की और AS की वो और इसकी वो सारा बैग पैक, अच्छा पूरा बैग कैमरा नहीं थे रखे, उसमें कैमरे नहीं थे, और रात को होते भी तो काउंट कैसे करते थे ना, तेरे हमें गुड़ लिया जाया करते, जीरो साइलेंस, कोई आवाज नहीं कोई उसमें वो नहीं, और चुपचाप बैग के अंदर गए विदाउट साइलेंस, गार्ड वगैरह ना आ जाए और अंदर जाए, सारी मोटी मोटी किताब उठानी भाई, छोटी में तो हाथ भी लगाना है, सारी बैग पैक करा और बैग लेके पीछे पीछे ताकि दीवार दीवार पार करके फिर रात को ही बाहर मतलब दिल्ली से सोनीपत चेंज ना, तो मुखर्जी नगर वगैरह तो दुनिया थी, मतलब इसका वो काफी हो रहा फिर जो आप चोरी वाले, तो उस दौरान जो हम पैर उठा उठा के चलते थे और जो सस्पेंस था मतलब भाई मजे, मतलब पता है एक वो ना, मैंने अपनी जिंदगी में ना कॉलेज लाइफ नहीं जी, मतलब कॉलेज लाइफ जी है, हॉस्टल लाइफ नहीं जी मैंने, हॉस्टल में नहीं रह पाया, घर वाले ने छोड़ा ही नहीं मैं मतलब एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है वहां पे जरूर एक बार, मतलब एक दुनियादारी का एक सोसाइटी का थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ यू आर ऑन योर ओन, आप अपने आप पे आप खुद को ही देखना कैसे चलना कैसे मैंने नहीं। सोच रखी है अभी, ये मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब से मतलब पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, अभी घर वालों को भी बोल दिया कि मैं पैसे इकट्ठे खुद करूँगा,
एक साल जॉब करूँगा, कुल 1 साल, मतलब अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मैं 1 साल ना मतलब फुल मस्ती कर सकता हूँ। देखो नशे ना छोड़ कर हर मस्ती करनी है मैंने, ठीक है, और नशा और जारी ये दो चीज़ नहीं करनी, इसके अलावा हर मस्ती घूमना फिरना दिल्ली से, मतलब पूरी पूरी रात, मैं रात का राजा बनना चाहता हूँ कि हाँ भाई पुलिस वाले खड़े हैं उन तक कुछ छोड़ गएगा भाग लिए कभी हाँ वो पुलिस का कोई होया ऐसा कुछ है? मतलब कांड कोई फंसे हो पुलिस पुलिस के भाई भाई खड़े दिक्कत है सारा के लाते दिक्कत कई हो जाती है। एक बात है जुवर हम घूमने जा रहे थे पर मैं नैनीताल के ना बोला नैनीताल में पुलिस वाले के लाते मुठभेड़ हो गई थी। अच्छा हम गाड़ी लेकर जा रहे थे तो उड़ा उस टाइम क्या होया कि गाड़ी बजा रहे हैं और एकदम उन्होंने टायर स्किड कर दिए, सारे पुलिस वाले आ गए मतलब गोलीबारी होने वाली थी बंदूक ना पाई थी पुलिस वाले और देशद्रोही टेररिस्ट और पुलिस वाले की लड़ाई हुआ नॉर्मली क्योंकि ना बुला देना तो पुलिस वाले भीतर गिरते हैं। कॉलेज लाइफ का सबसे मस्ट मतलब बेस्ट मोमेंट क्या था आपका? समझ गए देख लो भाई कई सारे और भाई यार दिक्कत वाली बात है यार। वर्स्ट मोमेंट ऐसा था कि बेस्ट तो चलो बहुत सी मोमेंट आए होंगे ऐसे, बेस्ट तो याद भी रहते कॉलेज लाइफ के क्योंकि वर्स्ट मोमेंट थोड़े से ज्यादा वो होते हैं। वर्स्ट मोमेंट ऐसा था कि एक बार तो हम जो कर रात में भाई हॉस्टल का खाना भी एकदम घटिया रहा करता, आप पानी पानी पाते सब्जी में कुछ नहीं, जब हॉस्टल का जो खाना हो ना वो सब तो बूंदा ऊपर जो होटल में फील हुआ है जो स्वतंत्र रोटी नहीं खाई टेस्ट नहीं थी देवगा ओ भाई फिर रात में तो मर्द क्या है वो खिड़की पाटनी पड़ी और उसमें चॉकलेट और पेस्ट्री ली तो 2-4 दिन बाहर भरा है रूटीन चला कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक सारा कोई दिक्कत नहीं। जब हमें भूख ज्यादा होती कोई गिरो हमारा इकट्ठा होता दूध इतनी ज्यादा थी खेता मेरा बिना पाटन का कून गया थप्पड़ मार का आड़ा खड़ा हो जाए दूध नहीं गलती थी खेता माता जब और तेरे को क्यों है कि हम गए और हम खोलन लग गए और खिड़की में खुली बोले अच्छा हो गया हम 3 जने रह रहे उस खिड़की में और वो खुल नहीं रही दीवार कूदे पीछे दर 2 किले पीछे बाज गया मैं कि हमें वो देखना आता हूँ फोन गया जो बात सो रहा है कि रहा कुछ से जा गया लोग मेरा पैटेगरी मैंने कुछ ना सब नमस होना है मेरे ना पैटे है बहन चल हम 2 किले पर हम 2 किले दूर जा रहे दीवार कूद गए और दौड़ उड़ गए फिर एक छोरे की चप्पल भी रह गई बेचारे गुड़ा फिर वो पाप लगा गुटा टूट गया और वो उड़ा खेत 2 किले पर ना जाकर तनु का सुमित भाई चप्पल दे देना अरे मंगाने कुर्सी मार के तो लग तो वो इस प्रकार के कुछ मोमेंट थे अपने काफी खतरनाक दिन से गुजरे हैं। मेरी लाइफ वाली आप अभी पिछले साल की बात है जॉब लगन से 1-2 महीने पहले की बात है इंदू कॉलेज की बात है और भाई किसी ने ना कोई थी एक दोस्त थी मेरी उसके दिमाग में उल्टी सुलटी बांट दिया कि तेरे बारे में वो गलत कह रहा था एक लड़की ना अपने चक्कर में अरे भाई उस लड़के तो मिल रहा वो भाई इतना लड़का इतना तेज और भाई वो अगले बंदे यार 1 मिनट में दिमाग सा वो मतलब करते अपने कंट्रोल में कर ले और भाई उसने क्या कहना ना दूसरे बंदे की आंगली मेरे आंगली ला लिया उस बंदे ने भाई उससे तो बात करा थी अरे क्या नाम है उससे ने तेरे बारे में भड़काई है और भाई पूरे पार्क के बीच में मैं गया मतलब एक 5 साल में उस कॉलेज में काट रहा
बिना एडमिशन के। अरे भाई मेरे अरनू भाई मेरी इमेज पे बात आ गई भाई, वो के नाम अपनी फ्रेंड आता तो वही है यार, बाकी नू है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी उस कॉलेज में, अनु था पर वही इमेज भाई छोरिया में इमेज बना रहा भाई अनु है कुछ है। अरे सब नू माने नू जिससे कॉलेज का है बी ए करना कर रहा है, और मैं उसको पढ़ा पढ़ पढ़ा पर वो मेरा स्कूल का जूनियर था। और बढ़िया यार ये दोस्ती थी अपना भाई सचिन है उसका दोस्त था, और उसको बढ़िया बड़े घड़े मार दिया मैंने उड़े। और भाई फिर उस बंदे ने मतलब मेरी इतनी शर्म करी कि मैं उस मतलब जुगर सचिन का मैं भाई हूँ कि अगर भाई कोई ना इसने मार दिया मोर दिया छोटो, उसके भी दोस्त आए थे मेरा मारने छोटो भाई मार दिया मोर दिया। फिर वो असलियत पहुंची वो जो जिसने वो भड़काया था ना उस बंदे ने हमने पकड़ लिया पूरा गिरोह था हमें कम से कम 10-12 वाला, और उस लड़के ने भी ले रहे। पहला तो मैंने उस लड़के को ऐसे नुकान दे पार्टी करा था नू ऐसे, फिर उसके नू फैसला बनाया मैं पीछे हटिया नू फैसला करा, और फिर नू करके नू हाथ देखा मैंने खा लग जाए नू करके, और नू बैठे बैठ बैठे मतलब मैं मतलब एक मन लड़ाई करी, और मतलब वो हंसी की बात है कि मैंने पहला नू फैसला बनाया कि हाँ हाथ बहुत जगह ना आओ थोड़े मूवमेंट हो जाते हैं। और एक बार ये होया कि मैं उसमें था मतलब ये कोई बात होगी कोई बाहर के बाढ़ आगे, जब मैं जॉब लग गया था मेरे पास फोन आया कि मेरे दोस्त का ही अनुज भाई यहाँ पे लड़की वगैरह छेड़ दी किसी ने और एक बारी कॉलेज आ जा। यार चला आप देख लेगा हूँ मैं यहाँ सोनीपत मुरथला लग रहा था उस टाइम पर जॉब उड़े थे एयरपोर्ट डबे लग जाओ घर का माल था एजेंसी में था मैं। तो वहाँ पे ना प्रिंसिपल आ गया, मैं मतलब इतने कॉन्फिडेंस तो बोला मैंने प्रिंसिपल तो बात करी डायरेक्ट पूरी गैंग ने लेकर जा गया ना 20-25 छोरी अरे 30-40 बढ़ा गए उसमें था मैं 7-8 गढ़ भाई भीतर बाहर काट दिया उसका कोई इतने कॉन्फिडेंस थे मैं ये वो सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा मैं आप पे शिकायत कर दूँगा मतलब मैं उस कॉलेज का बाढ़ा गनियर बर्तन हुआ कौन सी क्लास का है मैं सर बी ए थर्ड ईयर का हूँ। बोला अच्छा तू भी थर्ड ईयर में, मैं तेरा कई साल तक देखूँ यार सर 21 साल का होया हूँ। फिर उसके बाद वो तो जब बाहर आ गया उस दिन मेरा लग गया था कि मैं इस कॉलेज का कौन है मतलब ऐसे 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 भाई बड़े वाला बोला मैं बड़े के लिए तो उस कॉलेज के नहीं तीन साल उस कॉलेज में तो पांच पांच 2018 से 2000 कौन देखेगा इस स्कैम को इसके इतने बड़े स्कैम पांच साल और मेरा आई कार्ड है मैं इस पर लगा नहीं हुआ मेरे पास जो आ गया था फोन में मैंने आई कार्ड बना रखा है ऋषभ के नाम पे नाड़ लगा के सिर्फ मेरी नाड़ नाड़ फेक आई कार्ड है लगा हुआ फोटो लग रहा है भाई देख मैं गया बात सोच तो मैं यार एक बार पहले बताई थी हमने बात भाई मैंने एडमिशन ना लिया तो उस साल तो मैं बिना कहीं भी एडमिशन नहीं था मेरा उस साल तो मैंने बिना एडमिशन के क्लास ली मैंने पूरे साल मैंने क्लास ली भाई चार की चार क्लास ठीक है। उस टाइम पे थे राहुल था ये बानिया एक वो काले का रोहित और एक अपने सोनू और चिचड़ ये थे मतलब भाई मस्ती कर रहा मैंने जिंदगी जी भाई किसी में 90 नंबर किसी में 80 नंबर वो काम आ गया हाँ इंग्लिश में 93 नंबर इंग्लिश में 93 नंबर फर्स्ट ईयर में सो मत है मगा भाई सब मैं इंग्लिश आ गया रहा इंग्लिश नहीं आती मैंने ए बी चलो ज्यादा टाइम की होगी भाई वीडियो कल बोर हो जा अगले हफ्ते फिर देखते हैं और अपनी ऐसे ही बकवास करेंगे आए हफ्ते ठीक है। राम राम जय श्री राम जय हिंदू।